स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। देख चंदा, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, इसी वास्ते तुझे और बाबू को बुलाया। और हम आपस में कोई अलग अलग तो है नहीं, आपस में हम भाई भाई ही तो हैं। हाँ चंदा, और हम अपने रिश्तेदारों से लड़ाई कर लेंगे तो फिर बता कौन काम आएगा हमारे, थोड़ी सी अकल लगा। अच्छा, अभी निकालते तुम्हारा भाई चाह। ये आवाज कैसी है? अब ये बताइए कि इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? अब 2 दिन। ये दिवस? धन्यवाद। आप क्या हम दोनों को मूर्ख समझते हैं? मेरे ख्याल से 2 घंटे में ये कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। क्या मोटा भाभी? बिल्कुल ठीक है। ना ना भाभी, बस थोड़ा सा उलझ गया था कि कौन सा पहले करूं, इस तरफ या उस तरफ। मैं बस मसाला तैयार करता हूँ और फटाफट काम शुरू करवाता हूँ। याद रहे, 2 घंटे में कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। ये औरत तो बहुत होशियार निकली है। पता नहीं सुरेश भाई, बाबू भाई और केशव भाई ने इन्हें बेवकूफ कैसे बनाया। वाह, कोकिला ने बड़ा जोर लगाकर उन लोगों से कहा है कि दीवार का काम आज शुरू हो जाना चाहिए। बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा शुरू। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मेरी तरफ से पूरी तैयारी। गोपी, कुछ देर के लिए तू दोनों मोलू का ध्यान रखेगी, मुझे कुछ काम है। जी राशि पे। चंदा सुनो, तुम ये काम खत्म करके 5 मिनट में बाहर आ जाओगी, मुझे कुछ काम है। जी जी भाभी, मैं आई। आज तो मैं साबित करके ही रहूंगी कि मैं सही थी और वो कारपेंटर की बीवी गलत। सबके सामने मुझे डांट दिया, वो भी घर की बहू को, पकड़ी भी ना। सुनो, वो कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। वैसे भी तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की है, हमारे घर के लिए, हमारे कमरे के लिए इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, और मेरे कमरे का पेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। अरे जो हुआ सो हुआ, छोड़िए। हाँ वैसे क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो नहीं, खैर छोड़ो, जाने दो। नहीं बोलिए ना। क्या है ना, मेरे कान के सोने के बूंदे गिर गए, उसमें तो डायमंड भी है, रियल डायमंड, हीरे बड़े वाले। अगर वो नहीं मिले ना तो वो काकी जी मुझे मुझे बहुत डांटेंगी। तुमने तो देखा ना कैसे सबके सामने डांट देती है। तो वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, मैं मदद कर देती हूँ ना। आप इधर ढूंढिए, मैं उधर ढूंढ लेती हूँ। हाँ ठीक है। जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ, वो तुम्हारी जेठानी मेरी मदद कर रही है। वो क्या है ना, मेरे सोने की कान की बूंदे गिर गई है, उसमें हीरा भी है, वो वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम दोनों भी हेल्प कर दोगी? हाँ हाँ भाभी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर बूंदे मिल भी गए ना तो इन लोगों को कौन देगा? बस जेठानी जी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हे अंबे माँ, कुछ भी करके बूंदे मेरे ही हाथ लगनी चाहिए। अगर मुझे मिल गई ना तो मैं तुम्हारे आगे जोत जलाऊंगी। हे
हे ठाकुर जी, ये बूंदे मुझे ही मिलने चाहिए, बस ये दोनों को ना मिले। हे द्वारकाधीश, पहले ही माँ जी ने मुझसे ज्यादा दागिने दीदी को दिए, अब ये झुमका ना मुझे ही मिलना चाहिए। अभी तक नहीं मिला, ढूंढी तो रही हूँ भाभी। दुष्ट आत्माओं, तुम सब के सब मिले हुए, पर बताऊंगी तुम लोगों को और काकड़ी को भी। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं जरा जाके आराम करती हूँ और तोलू मोलू को देखती हूँ। तुम लोगों को अगर मिले तो प्लीज मुझे लौटा दीजिएगा। वैसे आई एम रियली सॉरी, कल मैंने खामखा आप लोगों पे शक किया, अब मिले तो पक्का लौटा दीजिएगा। जी भाभी। तुझे झुमके मिल गए हैं ना? हाँ, मैंने भी देखा। चल, एक तू रख और एक मुझे दे दे। देख, जो भी मिला है ना, हम तीनों में मिल बांट के खाएंगे। ये झुमके तो मैंने ढूंढे हैं, तो इन पे मेरा ही हक होगा ना, क्यों दूं मैं तुम्हें? क्यों नहीं देगी, मैं ही तुझे यहाँ लेके आई हूँ। सुन चंदा, अगर तूने ये झुमका नहीं दिया ना, तो सोच लेना हम हल्ला करके सबको बता देंगे कि झुमके तूने लिए हैं। देती है या तमाशा करूं? मैंने देने वाले कोई झुमके वुमके? चंदा, ये क्या तू मैं कर रही है? तू भाभी के साथ अगर किसी ने देख लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? वेरी गुड, तो सबके सब मिले हुए, अब तो सबको एक साथ कैमरा में शूट करूंगी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, शांति से चलकर भंडार रूम में निपटारा करो। हाँ चलो चलो। मेरी इयररिंग, और मैंने तो अभी वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया है। इस भगवान, अब तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी। मैं सही थी, ये काम तो उस कारपेंटर की बीवी का ही था। मैं अभी से बताती हूँ। झुमके तुम ही रख लो और तुम्हारा भांडा मैं फोड़ूंगी। हाँ, और देख लेंगे। बस काम तो। और तू भी ना पगली, अरे हमने इतना कुछ चुराया है और तू छोटे से बूंदे के लिए लड़ रही है। सही बोल रहे हैं मोटा भाई, क्या क्या नहीं चुराया तूने, चादर, खिलौने, साड़ी, जेवर, और फिर भी ये भगवान, ना कुछ हो गया, ये चोर कहीं के, मैं तो इन्हें अभी पकड़वाती। तुम औरतें भी ना इतनी उतावली क्यों हो जाती हो? एक टेबल ही ठीक करने आए थे ना, उसके बदले में कितना काम फैला दिया। हाँ मोटा भाई ठीक बोलते हैं,
अरे मुर्गी को एक बार हलाल करने में क्या फायदा? अरे धीरे धीरे काम फैलाओ, चोरी करो, साथ में खाते पीते रहो, ये लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं, समझी? देख चंदा, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, इसी वास्ते तुझे और बाबू को बुलाया। और हम आपस में कोई अलग अलग तो है नहीं, आपस में हम भाई भाई ही तो हैं। हाँ चंदा, पर हम अपने रिश्तेदारों से लड़ाई कर लेंगे तो फिर बता कौन काम आएगा हमारे, थोड़ी सी अक्ल लगा। अच्छा अभी निकाल दिया तुम्हारा भाई जान। ये आवाज कैसी है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।